नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। खबर का हुआ असर। रोहतास सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि जल्द ही बिकमगंज मैथरा का उप स्वास्थ्य केंद्र में सुधार की व्यवस्था होगी। रोहतास से जिला रिपोर्टर राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। एक तरफ जहां कोरोना के संक्रमण के दौर में सरकार विभिन्न सरकारी भवनों को कोविड अस्पताल बना रही है, वहीं रोहतास जिला के बिक्रमगंज के मैकरा में उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन रहते हुए स्वास्थ्य विभाग उसका उपयोग नहीं कर रही है। बता दें कि मैकरा के इस उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के आने पर आसपास के कई गांव के मरीजों को फायदा होता था, लेकिन पिछले कई सालों से यह अस्पताल भवन रहते हुए भी बंद पड़ा है। जो कर्मचारी डॉक्टर थे उनके सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ कोई किसी की पदस्थापना नहीं हुई। अस्पताल के लिए जमींदाता रामेश्वर सिंह कहते हैं कि जब अश्विनी चौबे स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने अस्पताल को 8 बेड का बनाने का वादा किया था, लेकिन फिर उस पर काम नहीं हुआ। आज यह अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया है। जब यह अस्पताल चालू हालत में था तो मैकरा के अलावे मठिया, करमैनी आदि कई गांव के लोग यहां इलाज कराने आते थे, लेकिन रखरखाव और लापरवाही के कारण यह समय से पहले ही खंडहर हो गया। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है, जल्द ही जानकारी लेकर इसमें सुधार की व्यवस्था करेंगे। उप स्वास्थ्य केंद्र बिक्रमगंज में 17 उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, और वो जो आप बोल रहे हैं शायद एडिशनल हेल्थ सेंटर के लिए है, एडिशनल पीएससी बना गया है। 2012 में शायद वो मौखिक रूप से उसका उद्घाटन किया गया था, लेकिन वो कार्यरत नहीं है। और बिक्रमगंज में 17 उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है और एक HWC भी चल रहा है, अब सभी कार्यरत। सर मेधरा में लेकिन ये जर्जर भवन में बना हुआ है, वो मेरे ख्याल से उसके बारे में जो जानकारी मिला है कि वो जो है सो एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, लेकिन उसका तो कभी उद्घाटन हुआ नहीं है और वो नहीं चल रहा। बस इतना ही मैं जानता हूँ और आपको इतना ही बता सकता हूँ।